प्यारे दोस्तों, बॉलीवुड के खलनायक यानी संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। बात इनकी प्रोफेशनल लाइफ की जाए या फिर पर्सनल लाइफ की, ये दोनों को लेकर ही अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें, संजय दत्त ने अपनी लाइफ में 3 शादियां की। संजय दत्त का बॉलीवुड की कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ अफेयर भी रहा, लेकिन क्या वजह थी जो एक आइटम सॉन्ग करने वाली लड़की को संजू ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया? अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और करते हैं आप संजू को पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको बता दें, संजय दत्त की वाइफ का नाम मान्यता दत्त है। ये एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती हैं। दोस्तों, मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख था। इनका जन्म 22 जुलाई 1979 को मुंबई में हुआ। वैसे तो इनकी परवरिश दुबई में हुई। मान्यता बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना चाहती थी, जिसकी वजह से इन्हें दुबई से मुंबई आना पड़ा। मान्यता ने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2003 में आई फिल्म में एक आइटम सॉन्ग से की। इसके बाद इनकी मुलाकात प्रोड्यूसर नितिन ने संजय दत्त से कराई, जिसकी वजह से ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। आपको बता दें, उस समय संजय दत्त नादिया दुर्रानी को डेट कर रहे थे। मजे की बात यह है, जैसे ही नादिया घर से बाहर जाती तो मान्यता संजू से मिलने आ जाती थी। इसी तरह दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। 7 फरवरी साल 2008 में संजय दत्त ने मान्यता दत्त से शादी रचाई और अब इनके एक बेटा और बेटी भी हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको इस खूबसूरत जोड़ी की लव जर्नी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।